Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is contribution of Nell Nodings to education, or educational philosophy of Nell Nodings. So who was Nell Nodings? देखिए ये नई फिलोसोफर मतलब फिलोसोफर तो नई क्या बोला जाए मतलब इनका इंक्लूजन नया है हमारे सिलेबस में. पहले इनको इंक्लूड नहीं करते थे हम लोगों ने अपने समय में इसको नहीं पढ़ा है. और नेल नोडिंग्स आई थिंक एमए के कोर्स में नहीं है बट नेट के कोर्स में है. ओके तो नई बात है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए कि इस तरीके की बातें कर हो रही हैं समाज में, इतने दिनों से हो रही हैं, हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं इनसे. तो नेल नोडिंग्स एक अमेरिकन फिलोसोफर एजुकेशनिस्ट हुई. शी वॉज एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ केयरिंग. देखिए इनका इथिक्स ऑफ केयर पे काम है, केयरिंग थ्योरी इन्होंने निकाली है. केयरिंग एंड रिलेशनशिप्स बोथ एज एन एजुकेशनल गोल एंड एज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो मूलभूत एस्पेक्ट है वो केयरिंग होना चाहिए, रिलेशनशिप्स होने चाहिए. एज अ रिजल्ट नेल नोडिंग्स वर्क बिकम अ की रेफरेंस पॉइंट फॉर दोज वांटिंग टू रीअफर्म द इथिकल एंड मॉरल फाउंडेशंस ऑफ टीचिंग स्कूलिंग एंड एजुकेशन मोर ब्रॉडली. तो वो लोग जो शिक्षा को इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं शिक्षा को, विद्यालय शिक्षा को, शिक्षण को, उनके लिए नेल नोडिंग जी का काम एक मूलभूत, एक यू कैन से बेडरॉक है. आप वहां से देख सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा है. तो इनके काम को अगर देखा जाए तो बहुत सारा इन्होंने कुछ वर्क किया है, जिसमें से सबसे जो इनकी फेमस जो इनका कृति है, रचना है, वो है केयरिंग. इन्होंने किताब लिखी अ फेमिनिन अप्रोच टू इथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन 1984 में लिखी, 2013 में भी इसको बाद में इन्होंने मॉडिफाई किया है. देखिए बाद में जो इन्होंने फेमिनिन, देखिए आप ध्यान दीजिए इस पे, फेमिनिन अप्रोच टू इथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन है, तो बाद में इस पे नो डाउट क्रिटिक आए होंगे कि भाई इथिक्स क्या मेन मैस्कुलिन अप्रोच नहीं हो सकता है या ऐसे करके. तो बाद में इन्होंने इस फेमिनिन शब्द को रिलेशनल कर दिया, फिर इसको इन्होंने कर दिया कि अ रिलेशनल अप्रोच टू इथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन. पर इन्होंने पूरा इनका काम जो है, पूरा इनका जो व्यू पॉइंट है वो केयर एजुकेशन पे है या केयर थ्योरी पे है या थ्योरी ऑफ केयर, इथिक्स केयर, ये सारी टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज की है. इसके अलावा बहुत कुछ इन्होंने लिखा, जैसे विमेन एंड इविल लिखा 1989 में, द चैलेंज टू केयर इन स्कूल्स लिखा. इनका बेसिक व्यू पॉइंट ये है कि जो हम लोग सभी चाहते हैं ना कि केयर करना और केयर हो उनकी, वी आर स्ट्राइव फॉर कि हमारी केयरिंग, कोई हमारा केयर टेक केयर करने वाला हो, तो ये विद्यालय या स्कूल या शिक्षा इसको लैक कर रहे हैं, उस पर इनका काम है. द चैलेंज टू केयर इन स्कूल्स, एजुकेटिंग मॉरल पीपल, मॉरालिटी पे बहुत बात की है. हैप्पीनेस इन एजुकेशन, देखिए हैप्पीनेस एक नया कंपैरेटिवली नया कंसेप्ट है जो एजुकेशन में आ रहा है. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेटिंग फॉर इंटेलिजेंट बिलीफ और अनबिलीफ, और स्टार्टिंग एट होम, केयरिंग एंड स्कूल सोशल पॉलिसी 2002. इन्होंने कहा होम जो है वो फर्स्ट एजुकेटर है बच्चे का. तो ये सारे इनके काम हैं. और केयरिंग जो मेन बात इन्होंने की है, इथिक्स ऑफ केयर पे जो ये बात करती हैं, इन्होंने कहा नेल नोडिंग्स इज क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द प्रमोशन ऑफ द इथिक्स ऑफ केयर, द आर्ग्यूमेंट दैट केयरिंग शुड बी ए फाउंडेशन फॉर इथिकल डिसीजन मेकिंग. वो कह रही हैं कि जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो एक तो नैतिक हो, और दूसरी बात उसमें केयरिंग का कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. हर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन दैट केयर इज बेसिक इन ह्यूमन लाइफ. उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य है, उसके जीवन में केयर का सबसे ज्यादा, कि हम देखभाल हमारी हो और हम देखभाल करें, ये पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट ऑल पीपल वॉन्ट टू बी केयर्ड फॉर, हम चाहते हैं कि हमारी कोई देखभाल करने वाला हो, ये हमारी क्रेविंग होती है, नेचुरल है. नेचुरल केयरिंग दिस इज ए मॉरल एटीट्यूड. और हम किसी की केयर करेंगे इसका मतलब कि हमारे भी अंदर इथिकल सेंस होगा, मोरालिटी होगी, तभी तो करेंगे. ए लॉन्गिंग फॉर गुडनेस, हम किसी के लिए अच्छा करें, दैट अराइजेस आउट ऑफ द एक्सपीरियंस और मेमोरी ऑफ बीइंग केयर्ड फॉर. ऑन दिस बेसिस नेल नोडिंग्स एक्सप्लोर्स द नोशन ऑफ इथिकल केयरिंग. तो फिर उन्होंने इथिकल केयरिंग का कंसेप्ट निकाला, अ स्टेट ऑफ बीइंग इन रिलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिसेप्टिविटी, रिलेटेडनेस एंड एनग्रॉसमेंट. ये सारी बातें मतलब पूरा मिला जुला के इथिक्स ऑफ केयर पे इनका काम है. तो मतलब मान लीजिए कि हम नेल नोडिंग्स को नहीं जानते थे, तो सिंपल अगर MCQ यही पूछ लिया जाए कि इसमें से इथिक्स ऑफ केयर पे किसका काम है, तो चूंकि हम जानते नहीं तो हमें पता ही नहीं, कम से कम हमें पता हो कि इथिक्स ऑफ केयर पे बात करने वाला भी कोई हो चुकी है बातें उस पर. ऑन दिस बेसिस नेल नोडिंग्स
से ये हो गया। फिर इन्होंने कहा केयरिंग अबाउट एंड केयरिंग फॉर, दोनों को इन्होंने अलग अलग दिखाया। केयरिंग अबाउट, हम किसकी केयर कर रहे हैं, किसके बारे में, एंड केयरिंग फॉर, हमारी कोई केयर करे। नेल नोडिंग्स हेल्पफुली ऑल्सो हाईलाइट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन केयरिंग फॉर एंड केयरिंग फॉर एंड केयरिंग अबाउट। दस वी हैव बीन लुकिंग लार्जली एट केयरिंग फॉर फेस टू फेस एनकाउंटर इन विच वन पर्सन केयर्स डायरेक्टली फॉर अनदर। इसके बेस हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। केयरिंग स्कूलिंग एंड एजुकेशन पे इन्होंने क्या कहा है, Nell Nodding sees education in its widest sense as being central to the cultivation of caring in society. इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा को आप सबसे ब्रॉड रूप में देखें तो क्या होना चाहिए कि समाज में केयरिंग के कल्टिवेशन को हमें डेवलप करना होगा, है ना भाई। आजकल के समाज में जब एकदम संबंध खराब हो रहे हैं, कोई किसी के बारे में पूछता नहीं, कोई सेंसेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, फीलिंग नहीं, तो केयरिंग के कंसेप्ट को, कल्चर को अगर हम कल्टीवेट कर सकें एजुकेशन के थ्रू तो ऑल वेल एंड गुड। शी डिफाइंस एजुकेशन एज ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ एनकाउंटर्स बोथ प्लैंड एंड अनप्लैंड दैट प्रमोट ग्रोथ थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन। मतलब हमारे ज्ञान भी हो, कौशल भी हो, समझ भी हो, और एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करें, कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसकी बड़ाई कीजिए। She views home as the primary educator. उन्होंने कहा कि जो घर है वही हमारा पहला शिक्षक है, and argues for the reorientation of social policy to this end. उन्होंने कहा कि हमें अपनी सामाजिक नीतियां उसी हिसाब से दोबारा बनानी होंगी। As soon as we view the home as the primary educator, two major things follow in terms of social policy. उन्होंने कहा कि social policy के terms में फिर दो मुख्य आपको काम करने होंगे। These are that first, पहला काम क्या करना है? Every child should live in a home that has at least adequate material resources and attentive love. यानी कि चूंकि घर आपका प्राथमिक शिक्षक है, तो घर ऐसा हो जिसमें लव हो बच्चे के लिए, केयर हो और पर्याप्त material resources भी हो। And second, that schools should include education for home life in their curriculum. और स्कूल को, क्योंकि विद्यालय से, सॉरी, घर से निकल के बच्चा विद्यालय में जाएगा, तो विद्यालय को भी इस प्रकार अपने करिकुलम में होम लाइफ एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। अ थर्ड एलिमेंट कैन आल्सो बी सीन एज फॉलोइंग फ्रॉम व्यूइंग द होम एज द प्राइमरी एजुकेटर दैट स्कूल्स शुड एज फार एज पॉसिबल यूज द सॉर्ट ऑफ मेथड्स फाउंड इन बेस्ट होम्स टू एजुकेट। यानी कि इनके हिसाब से विद्यालय और स्कूल, विद्यालय और घर को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होके बच्चे के अंदर केयरिंग का कंसेप्ट डेवलप करना है। कुल मिलाकर यही बात है। फिर कुछ बातें इन्होंने की, मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन, ये सब जरूरी है केयरिंग के लिए। मॉडलिंग का क्या मतलब? कि हमको अपने आप को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है बच्चे के सामने। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब वी डो नॉट मियरली टेल देम टू केयर। हम उनसे कहेंगे नहीं आपको दूसरे की देखभाल करनी है, करनी है, करनी है, और उसको इस तरीके का टेक्स्ट दे दे पढ़ने के लिए। नहीं, वी डेमोन्स्ट्रेट अवर केयरिंग इन अवर रिलेशंस विद देम। हम उनकी केयर करें, हमारा एनवायरमेंट है उसकी केयर करें, हमारे जो जो आपके पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी केयर करें। तो हम मॉडल करें अपने बिहेवियर को उनके सामने, तो वो सीखेंगे। डायलॉग, द इंटेंट इज टू एंगेज पीपल इन डायलॉग अबाउट केयरिंग, उस पर बातचीत हो। As Nell Nodding has pointed out, dialogue is such an essential part of caring that we could not model caring without engaging in it. हम उस पर बातचीत करते रहे, स्टोरी टेलिंग हो, पिक्चर टेलिंग हो, आपसे बातचीत हो, आपसे डिस्कशन हो, तो बच्चा केयरिंग के कंसेप्ट को समझेगा, है ना। तो इसको फिर इसलिए पूरा नहीं पढ़ रही। प्रैक्टिस, Nell Nodding argue that the experiences in which we immerse ourselves tend to produce a mentality. If we want to produce people who will care for another, then it makes sense to give students practice in caring and reflection on that practice. मतलब हम उनको उस तरीके के caring के अभ्यास में डालें कि आज आपके ये task है या ये situation हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इस तरीके का उनको situation दे face करने के लिए, और फिर उनसे कहें कि आप अपनी practice पे reflection भी करिए, सोचिए भी। Confirmation, this particular component it suggested sets caring apart from other approaches to moral education. In making her case, Nell Nodding dreams particularly on the work of Martin Buber. Martin Buber ke kaam par inka aadharit ye confirmation wali baat hai. Martin Buber ne kaha ki confirmation is an act of affirming and encouraging the best others. Matlab hum confirm kar rahe hain, affirm kar rahe hain, reaffirm kar rahe hain apne behavior ko ki haan theek hai, aapne kiya caring that well and good. Significantly, such confirmation involves trust and continuity. Hai na, vishwas aur satatata chahiye iske liye. तो अब अगर बात करें कि Nell Nodding की जो फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी, इसके मुख्य गुण क्या हुए, तो स्कूल एज द सेंटर ऑफ हर लाइफ। देखिए, हमने उनकी बिब्लियोग्राफी आपसे शेयर नहीं की है। वो मैथमेटिक्स में उन्होंने डिग्री हासिल की, फिलॉसफी में हासिल की, और बहुत दिनों तक स्कूल एजुकेशन से जुड़ी रही, तो स्कूल जो था उनकी जिंदगी का सेंटर था, तो इसीलिए उन्होंने स्कूल करिकुलम, हैप्पीनेस, केयरिंग और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, इन सब की बात की है। इथिक्स ऑफ केयर,
सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंसेप्ट. शी हैज ऑथर्ड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन टॉपिक्स इंक्लूडिंग स्कूल रिफॉर्म, कैसे विद्यालय में सुधार लाया जाए, मैथमेटिक्स चूंकि उन्होंने पढ़ा था तो मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग एंड एथिक्स ऑफ केयर पे बहुत बात की. इन हर लैंडमार्क बुक केयरिंग अ फेमिनिस्ट अप्रोच टू एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन पब्लिश इन 1984 शी एक्सप्लोर्ड व्हाट इट मीन्स टू बी केयर एंड टू बी केयर्ड फॉर. उन्होंने बताया कि केयर करना और केयर पाना ये क्या है, आर्ग्यूइंग दैट केयरिंग इज एट द बेसिक्स ऑफ मॉरल एक्शन और हमारी नैतिकता का आधार होता है केयरिंग एंड शुड बी सेंट्रल टू द एजुकेशनल सिस्टम और किसी भी शैक्षिक निकाय का केंद्र बिंदु होना चाहिए. हैविंग फील्डेड, ये मैंने आपसे कह दिया कि फेमिनिज्म शब्द इन्होंने लगाया था तो बहुत जब इसकी आलोचना हुई तो इसको इन्होंने रिलेशनल कर दी. फिर एम्स ऑफ एजुकेशन, इन्होंने कहा कि द एम ऑफ एजुकेशन इज टू कल्टिवेट, क्या होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, जो केपेबल केयरिंग और लविंग पीपल जनरेट कर सके. Who are worthy of love. The theory of caring education depends on school teachers that they must respect students' subjectivity. कैसे आप caring सिखाएंगे बच्चे को, आप उसकी व्यक्ति निष्ठता पर बल दीजिए, आप caring teacher student relationship रखिए, आप teacher student के बीच का interaction बढ़ाइए, है ना. Moral education की practicality को importance दीजिए, students की moral quality को ignore कीजिए, तब आप उसको caring का concept सिखा सकते हैं. At every stage of life we need to be cared for, understood, accepted and validated. जीवन के हर क्षेत्र में, हर चरण पर हम चाहते हैं कि कोई हमारी देखभाल करे, कोई हमें समझे, कोई हमें स्वीकार करे, जो हम कर रहे हैं उसको वैलिड करे कि हाँ हम सही कर रहे हैं. The main purpose of school education should be to teach students to care for themselves. शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा पहले खुद की देखभाल करे, जो उनके आसपास है उनकी देखभाल करे, जिनसे उनके रिश्ते हैं उनकी देखभाल करे और जिनसे उनके कोई रिश्ते नहीं है उनकी भी देखभाल करे. इसके अलावा वो एनिमल्स, प्लांट्स और नेचुरल एनवायरनमेंट की भी देखभाल करे. केयर फॉर थिंग्स मेड बाय मैन एंड केयर फॉर नॉलेज एंड लर्निंग. और देखिए केयर का कंसेप्ट कितना बड़ा है, नॉलेज और लर्निंग की भी देखभाल करे. देखभाल करने का मतलब कि टेक केयर करे, मतलब उसको सीखे, उसका ध्यान रखे, है ना. तो ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है. और अगर इनकी फाउंडेशन देखें, केयरिंग थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, हम लोग जानते हैं अस्तित्ववाद के बारे में, ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे बल देता है. केयर इथिक्स पे बेस्ड है. उन्होंने मेल मोरालिटी को जस्ट इथिक्स कहा लेकिन फीमेल मोरालिटी को केयर इथिक्स कहा है. बाद में इस पर क्रिटिक भी हुए लेकिन आप जानते हैं कि मेल और फीमेल की मोरालिटी में बहुत अंतर होता है. फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे बल है. क्यों, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या ह्यूमन पर बल देती है ना, तो गोल क्या है, इज टू कल्टीवेट ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग एम्फसाइज्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स स्पेशली हायर नीड्स. आपको पता है कार्ल रोजर्स जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके मैस्लो हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, तो ये लोग नीड थ्योरी की बात करते हैं ना. फिर डीवी की थ्योरी जो मॉरल एजुकेशन पे है, वही इनका बेसिक है केयरिंग एजुकेशन का. और इन्होंने कहा कि हमको केयरिंग रिलेशनशिप बनाना है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे कि हम एजुकेशनल डेमोक्रेसी को अचीव कर पाए. देखिए यहाँ से डीवी आ रहे हैं, जब डेमोक्रेसी आ रही है तो. और अगर हम केयरिंग थ्योरी का कंटेंट देखें तो इसका उद्देश्य है कि हम केयरिंग स्टूडेंट्स कल्टीवेट करेंगे, केयरिंग टीचर्स कल्टीवेट करेंगे, केयरिंग टॉपिक्स पढ़ाएंगे और कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन को एम्फसाइज करेंगे. और अगर इनलाइटनमेंट ऑफ केयरिंग थ्योरी टू स्कूल एजुकेशन क्या है, क्या उसने दिया है विद्यालय शिक्षा को, तो जो विद्यार्थी है उसकी व्यक्ति निष्ठता को रेस्पेक्ट कीजिए, आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को, एक केयरिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो और मॉरल एजुकेशन की प्रैक्टिकलिटी को मूल्य दिया जाए. तो एक ऐसे समाज में जब मॉरल एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा है, वैल्यूज का डिटेरियोरेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नेल नोडिंग्स का कंसेप्ट कितना खूबसूरत है कि हम क्यों, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसकी केयर हो, तो क्यों ना हम शिक्षा का केंद्र बिंदु इसको बना दें और हम सिखाएं, हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंडिविजुअल क्रिएट करें जो केयरिंग के कंसेप्ट को समझें और उसको धारण करें अपने जीवन में. ओके, सो ये नया टॉपिक था, मैंने भी नया जाना. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. ओके.